हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों पहले तो हम दिखा देते हैं भाई, ये एपे पियागो गाड़ी है। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मुद्दा है वो एक कमेंट आ रही थी बार बार भाई हमारे पास कि सर हमारी गाड़ी गर्म हो गई, बंद हो रही है। तो दोस्तों इस गाड़ी में तो हम डाल रहे हैं रिंग पिस्टन, लेकिन आपको एक फॉल्ट बताएंगे कि हमारी गाड़ी गर्म होके क्यों बंद होती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना भाई, कुछ भी पूछना हो भाई कमेंट करे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से हमारा व्हाट्सएप नंबर ले आप, इंस्टाग्राम पेज से जुड़े, फेसबुक पेज से जुड़े भाई, ताकि हम आपकी अच्छे से हेल्प करें। और भाई हमें किसी भी भाई का फोन आता है तो उसके अच्छे से हेल्प करते हैं, पूरे जहां तक हमसे हो पाती है उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एडवाइस दी जाती है। अब बात करते हैं भाई मुद्दे की। तो दोस्तों हम बार बार बताते हैं भाई, अगर आपकी गाड़ी की टुकड़ी लाल होगी तो आपकी गाड़ी क्या करेगी, आपकी गाड़ी गर्म होके मतलब लोड मानने लग जाएगी और बंद होने लग जाएगी। तो टुकड़ी कौन सी होती है भाई, देखो ये हमारी टुकड़ी होती है, मैं आपको पूरी दिखाऊंगा, एक साइड वाली मैं निकाल लूं इसको, एक मिनट रुको। तो दोस्तों ये गाड़ी की वो टुकड़ी होती है, ये मतलब क्या करती है भाई, ये मैं आपको पूरी दिखाता हूँ भाई, देखो ये वो हिस्सा होता है टुकड़ी का, और ये हमें ओरिजिनल कंपनी की यूज करनी चाहिए, अदरवाइज हम तो भाई क्लोस्कर कंपनी यूज करते हैं, बाकी अपनी अपनी सलाह अपने अपने तरीके हैं। देखो अगर ये हमारी कहाँ पर चलेंगी, ऊपर से दिखा, चलो यहीं से दिखा देता हूँ। देखो ये हमारी क्रैंक है, क्रैंक पे यहाँ से तो ये कप टुकड़ी लग के और ये यहाँ पर फिट हो जाएगा, ऊपर से एक कनेक्टेड राड आ जाएगी जो रिंग पिस्टन ब्लॉक की होगी। अगर ये हमारी लाल हो जाती है मतलब ये ख़त्म हो जाती है तो गाड़ी क्या करेगी, यहाँ से क्रैंक को खाने लग जाएगी। और देखो यहाँ पर एक सुराख है जहाँ पर ऑयल सप्लाई होता है, ऑयल सप्लाई होना बंद हो जाएगा, टुकड़ी लाल हो जाएंगी तो आपकी गाड़ी गर्माने लग जाएगी भाई। सबसे पहले कमी आती है तो इस चीज़ में कमी आती है अगर आपकी गाड़ी गर्माने लग जाए तो। उसके बाद भाई दूसरा रीज़न क्या होगा, ये कमी आती क्यों है, ये कमी आने का रीज़न होता भाई अगर हम जो भी ऑयल पंप यूज़ करते हैं, ऑयल पंप अच्छी कंपनी का नहीं यूज़ करेंगे तो ऐसी कमी आएगी भाई। अब इसकी चैम्बर प्लेट की बात करता हूँ मैं, चैम्बर प्लेट में गाद है भाई, देखिए गाद है, मतलब एक तो इसके अंदर डेबरी मिल गई भैया, पता नहीं कहाँ से आई है, और जहाँ पर इसकी चैम्बर प्लेट देखो भाई कितनी गाद है, मतलब ऐसे गाड़ी चलेगी क्या, यहाँ से लुटिया, इस लुटिया का सुराग भी रुका मिलेगा, जिससे क्या होगा इस चैम्बर प्लेट से ये लुटिया ऑयल लेती है और आगे पंप इसको सप्लाई करता सभी गैलरियों के अंदर, ये कचरा उठाएगी, ये रुकेगी, पंप सप्लाई कैसे देगा भाई, इतना टाइट मतलब एक ऑयल है, मतलब देखो इतनी गाद है, गाद वाली ऑयल मतलब गाद वाला ऑयल लुटिया के अंदर जाएगा और लुटिया से पंप अगर सप्लाई करेगा तो पंप काम करना बंद करेगा। तो भाई मुद्दे की बात है, अच्छी कंपनी का ऑयल यूज करें, समय पर गाड़ी की सर्विस करवाएं, और जहाँ पर पार्ट्स की बात आती है अच्छी कंपनी का ऑयल यूज करें भाई, अच्छी कंपनी का पंप यूज करें। और गाड़ी गर्माने का रीज़न होता है भाई यहाँ से, अगर हमारी गाड़ी की टुकड़ी लाल होगी वो लाल क्यों होगी, अच्छी कंपनी का ऑयल नहीं यूज करोगे, साफ सफाई नहीं रखोगे, देखो इतनी इतनी गाद होगी गाड़ी के अंदर तो कैसे गाड़ी चलेगी भाई, देखो कितना कचरा है। तो भाई अच्छी कंपनी का हर आइटम अच्छी कंपनी यूज किया करो, अच्छी कंपनी का ऑयल यूज करिया करो, समय पर गाड़ी की सर्विस करवाया करो, और समय पर हवा वाले फिल्टर में सप्ताह में एक दिन इसको हवा मरवाए और एक महीने के अंदर इसको चेंज कर दे भाई। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको समझ आई होगी कि हमारी गाड़ी अगर गर्म होके बंद होने लग जाते हो किन कारणों से बंद होती है, कमी भी बताइए भाई, सॉल्यूशन भी बताया है, आप देखते हैं अब कितना अमल करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।